तो हम नेक्स्ट जो लेक्चर है इसके अंदर फिजिक्स में मैन और रेन, मैन जिस डायरेक्शन में चल रहा है और उसके हाथ में जो अम्ब्रेला है, उस अम्ब्रेला को उसने अगर ऊपर रखा हुआ है रेन से बचने के लिए, तो उनकी डायरेक्शन के हिसाब से जो है उसको बिल्कुल सेफ जो है उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए वर्टिकली, वो हम फाइंड करें इसके अंदर। तो यहाँ पर कोई पर्सन है, कोई मैन है और ये अम्ब्रेला है, और जो वेलोसिटी ऑफ रेन है वी आर है वर्टिकली डाउनवर्ड है, और वर्टिकली से ये थीटा एंगल पर है, और उस केस में हमारे डाउनवर्ड जो वेलोसिटी ऑफ रेन है वो वी आर है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इसका मैन की वेलोसिटी है वो वी एम है। अब हमें इन वी आर और वी एम का रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड करनी है और डायरेक्शन फाइंड करनी है ताकि वो सेफ रहे बिल्कुल। तो उस केस में जैसे मैंने बताया कि लेट द रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विथ वेलोसिटी वी आर एंड मैन इज मूविंग विथ वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, है ना, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा तो इसकी वेलोसिटी वी एम। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द रेन फॉल विथ रेस्पेक्ट टू मैन वी आर एम इक्वल टू वी आर माइनस वी एम। हम यहाँ पर इस चीज को अगर लें तो इसमें एक तो लगता है ट्राइंगल लो, आपको पता होगा कि ट्राइंगल लो में जैसे एक इधर और फिर ये इसका रिजल्टेट अगर है, तो जैसे मान लो अगर ये P, ये Q और ये अगर R है वेक्टर, तो ट्राइंगल लो क्या कहता है वेक्टर ट्राइंगल लो कि वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। तो ये प्रॉपर्टी हम इसके अंदर लगाएं तो भी आपके यहाँ ये आ रहा है, आप देख लो वी आर प्लस वी एम इक्वल टू वी आर एम। अब यहाँ थोड़ा देखना पड़ेगा कि हमारे इसकी जो डायरेक्शन है ये है, तो ये वी आर एम प्लस वी एम इक्वल टू वी आर होगा, और इसीलिए इसको माइनस में किया है ये यहाँ पर, इस फॉर्मूले से आप कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या है, आपको ये देखना पड़ेगा कि जो रिजल्टेट फॉर्मूला है, रिजल्टेट क्या होगा इसके अंदर, वी आर एम इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर प्लस टू वी आर वी एम कोस एल्फा की जगह थीटा। आपको ये बात पता है, हमने जो लास्ट वीडियो में इसमें ये देखा है रिजल्टेड वाला। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि वी आर परपेंडिकुलर टू वी एम, देर फोर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो कोस 90 आपके जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म पूरी खत्म। तो उस केस में ये वी आर एम इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर, ये इसकी सेफ वेलोसिटी हो जाएगी। इस वेलोसिटी से अगर वो चलेगा तो वो बारिश से भीगेगा नहीं और गिरेगा भी नहीं। फिर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन अगर मान लो थीटा है, तो यहाँ पर टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा माइनस वी एम अपॉन वी आर, इसका मोड लेना पड़ेगा, तो ये वी एम अपॉन वी आर। तो उस केस में थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वी एम अपॉन वी आर, इस डायरेक्शन में अगर वो चलता है तो वो सेफ रह पाएगा। सेफ्टी के लिए इसको अपने बारिश से बचने के लिए उसको थीटा एंगल पर रखना पड़ेगा अम्ब्रेला को, ताकि वो सेफ रहेगा। तो इस तरीके से ये मैन और रेन के जो एक न्यूमेरिकल आते हैं उसको आपको इस तरीके से सोल्व करना पड़ेगा। इसके अंदर मैंने सारी थ्योरी बता दी है, न्यूमेरिकल में थीटा वी आर वी एम सब गिवन होता है, हम रिजल्टेट वी आर एम निकाल लेंगे, रेन वी रेन मैन, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हम इस तरीके इसमें रेन और मैन के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। थैंक्स।